प्रोग्राम टाइमलाइन से गुड आं असद मुमताजरी नाजरीन पी डी एम के सरबराह मौलाना फजुल रहमान है तो एस्टेब्लिशमेंट अगर संजीदा है तो उनसा खुलियल तौर से गालू थी सकन थी बाकी इमरान खान के सामू रखी उनके ढाल न बनाएन उनसा सामू रखी वो सियासत में अचन उनके जवाब में अज डी जी आई एस पी आर जो मौकिफ आयो है पैं मामलन में सियासत में खास कर इदार न गेलो वे अगर कैसा गाल पो तो वो सबूत आने बेपास ये क्या साराई वाले कहें ये मफरूजन से मबनी इन तरह ज बयानबाजी का पासो क्यों अड़े प्रोग्राम इन गलाइंदा तो सेनेट के चूंड के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस हुकूमत लागू किया अपोजिशन की कड़ी हिकमत होंगी अमली होंगी अपोजिशन इन तमाम तर मामले में उनकी हिकमत अमली कड़ी होंगी और सुबह को हैदराबाद में पी डी एम जो जलसो थो है वो केतो कामयाब वो इन टिन मौजूद से गाइंदे प्रोग्राम में जॉइन किया है पीपल्स पार्टी जी एम एन ए डॉक्टर शाजिया सुमरो साहब डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा डॉक्टर साहब ये बुधा तो हाँ सदारती ऑर्डिनेंस तो लागू थी चुको है पे तो ये बुधा तो अपोजिशन की खास कर पीपल्स पार्टी की हवाले से एक मत अमली कड़ी होंगी अदर दिसो सब का पहली गाल इया है त जने तहां के एकरो कानून पास कराणो आहे ए तहां के खबर आहे त पार्लियामेंट जी सुप्रीमसी ते या आइन जी बालादस्ती ते ता गलहाईंदा रहंदा आयो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इन बिन गालिन ते सपोर्ट कई आहे ए जमहूरियत के कायम रखण जलाए या खतरे में न विझण जलाए जेतरे भी हद तई वणी सके तो असा वेंदा से त उन में असा के यो लगे तो त हे सिर्फ एक मफरूजो आहे जेते यानी हुनन के कोई अगते कोई पी बुखलाहट है पी परेशानी है उन्हीं में इलाही परेशान थी चुकी है हुकूमत वो नथी समझे तो वो कें सुठे नंबर से सेनेट जो इलेक्शन खटी सके थी उन्हीं लिहाज से कें भी तरीके से आइन के खत्म करण या आइन जी खत्म करण के लिए या उनमें कानूनी तरीके से जो उन फेवरेट हों या फेवरेटिज्म हों उन्हीं के लिए वो कें भी हद तई हुकूमत वही सके थी छो जो इन वक्त हुकूमत एतरे हद तई डिजल है पीडीएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुए या अपोजिशन हुए उन्हीं का एतरो डिनल है जो वो कें भी हद तई वही करे गलत कम करे सके थी चाहे उन्हीं के लिए उनके कानून के मथा क्रॉस करो पे या बी कें जाए से भी वन तो वो लाइन क्रॉस जरूर कंदा गलत तरीके से इलेक्शन सदारती ऑर्डिनेंस के पो रद्द किए कराई तो कड़ी हुकूमत अमली होंगी आवाज इन लाइ हाँ जो शे सुप्रीम कोर्ट में आई है अस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पे इदार अदालत एहतराम किया वक्त भी अस अदालत दिसूँ था उन फैसले जो इंतजार कंदे उन फैसले जो एहतराम कंदे डॉक्टर साहब अगर सेनेट की चूंडू अगर वो शो ऑफ हैंड से थियन थी पे तो इन गाल एतराज़ छो है असूँ तैयार भी सेनेट की चूंडू थियन थी तो यह हकीकत है तो पाकिस्तान में अरबे रुपये की हॉर्स ट्रेडिंग थे थी पई मेंबर्स भी कमजन था पाया मेंबर्स जे उसे जमीर के खिलाफ बल्कि पैसों से वोट दियन था पाया तो उनका बेहतर ना तो शो ऑफ हैंड्स से वोट थे तो पो अवान के एतराज कड़ो है एतराज ना है जो आइन में है वक्त रिवायत हलंदी रही है उन्हीं के फॉलो कर अग में भी यही गाल कही हुई तो ये हुकूमत एतरो डिनल है ये हुकूमत एतरो बुखलाट जो शिकार है जो कोई भी तरीको इस्तेमाल करे पांजे शय के या पान के आइन में सेनेट में घणन नंबर से खटाए सके थी जैसे इन्हें पांजे मानुन ते यकीन ना है तो वो शो ऑफ हैंड वजन तब दिसो अग में भी इलेक्शन इंदा रहा है उन्हीं में खटण हारायण थो रो है पर इन हुकूमत की तसो तो हालत इहा है जो एतरी परेशान है जो उन में चाहे दिसो नैब ज कानून हुजन जाते उन्हें के पांजी सहूलत नजर अचे थी या जाते अच्छा, उन्हें के लगे थो अच्छा डॉक्टर साहब आवा नता समझो तो जरे शो ऑफ हैंड्स जो फैसलो थी दो तो उनसे कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग वालों अमल तो रुक जी विंदो अगर हॉर्स ट्रेडिंग ता डिठो 2018 जी इलेक्शन में के गई हुई जहांगीर तरीन जहाज भरे करे मानुन जा के आंदा होया इन वक्त भी तुम दिसो तो हुकूमत के खजाने जो मुंह केंदे लाइ खोलिया वह पंजा करोड़ पांच जे एम एन एस के एम पी एस के इो ही इमरान खान हो जो चवंद हो तो यो आवाम जो पैसो है यो मैं एम पी एस एम एन एस के नींदम मैं डायरेक्ट इो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तीन पहुंचाइंदम लोकल गवर्नमेंट तीन पहुंचाइंदम हाँ छो खजान जो मुंह खुलन था हाँ छो जहांगीर तरीन के वरी का वो टास्क दिनों वो है छो इन शयन के वरी उन्हीं जाए ते आंदो वो है जो 2018 की इलेक्शन में थी हुई तक
दिसो तो 2018 में जो इलेक्शन जो हाल हुए जे तरीके से बैलेट पेपर चुराया वाया जे तरीके से बैलेट बॉक्स खाया वाया हुआ जे तरीके से मानुन के खटरायो वयो हुयो स्पेशली कराची के एमएनएस के जिनके घर जा दरवाजा खड़काए करे निंड में उथारे करे बुधाए वयो तो ता खटी वे आयो तो इहा शे रोकण जे लाए अपोजिशन इनी शे के अपोज करे थी पई इन तो जो इन में दिसो डॉक्टर साहब अगर मा समझा अमा का समझण तो चाहया तो यो अमा किए रोकण जने शो ऑफ हैंड्स न हुंदा सीक्रेट बेल्ट सा तो सदा ही यो मामलो थियो है हां जरे शो ऑफ हैंड्स हुंदा तो गाल चिटी थी विदी न दिसो अदा इनी शो ऑफ हैंड्स में ता के केडी शे ते दिसो गवर्नमेंट के इहा ही शे अग में छो न याद आई हुई पहरिया भी तो सेनेट जा इलेक्शन थींदा रहया तदे छो न इन शे में इन के शो ऑफ हैंड्स नजर आया इनन जी हुकूमत में तो पहरी सेनेट जी इनन जी इनन जी हुकूमत में तो पहरी सेनेट जी चुंडू थींदो उन खा पहरिया तो ता जे नून लीग जी हुकूमत रही उन में सेनेट चुंडू थींदो रहयो न ये तो पहरियों दफो थन तो पीटीआई जी ना त इहाई मा गाल कया थी न जाथे जाथे इमरान खान के पांजी फेवर खपे उते उते ओ कानून में चेंजेस आणे थो इन का पहरियों 18वीं तरमीम या 18th अमेंडमेंट ते जेके इमरान खान जी तकरीर हुई या इमरान खान जे कमेंट्स हुआ ता उए खड़ी करे दिसो तो हुन छा चयो हो तो इयो एक 18th अमेंडमेंट सा तहां में कंपटीशन इंदो आ है तहां के खबर पेंदी आ है त तहां केतरा कॉम्पिटेंट आयो इए उनी जो लफ्ज हुआ ए हाने हो मानो 18th अमेंडमेंट जो दुश्मन थी बीठो आ है तो चेंजेस तदे ही इंदो आ जदे तहां के इनसिक्योरिटी हुंदी आ हिन हुकूमत के इनसिक्योरिटी आए हिनन के खबर आए असान जी जे इत्तेहादी आइन डॉक्टर शाजा साहिबा डॉक्टर शाम जी डॉक्टर शाजा साहिबा आवा सा गडी रहो इन वक्त असान के प्रोग्राम में ज्वाइन कयो है मुल्क जे नाले वाले कानूनदान जनाब बैरिस्टर जमीर घुमरो साहब उन पुछंदी तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामलो हले तो पो मुल्क के बे वे मुल्क के तमाम वे फोरम आइनी फोरम कौमी असेंबली में जो तरमीम जो बिल बिल मौजूद है उनके बावजूद ही सदारती आर्डिनेंस जारी थो है तो इन कानूनी हैसियत कड़ी होंगी जमीर साहब प्रोग्राम में खुश आमदी जमीर साहब मुझे आवाज़ अचे पे वहाँ हाँ बिल्कुल अच्छा जमीर साहब हाँ ये कुछ सेनेट की चूंडन वो मामलो आए वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए उनकी पिटिशन हले थी पई इवन कौमी असेंबली में भी एक छवी तरमीम बिल है उनमें भी आशिक मौजूद है अवा बिन वडन फोरमन ते ये डिस्कस हले तो पियो तो उन बावजूद अगर सदारती आर्डिनेंस जारी तो थे तो इन कानूनी हैसियत कड़ी है सदारती आर्डिनेंस की का कानूनी हैसियत को छो तो सदारती आर्डिनेंस के जरिए आइन के जो सो तमेन ना कर सको आइन में जो तरीकेकार आइन के अमेनमेंट जो आर्टिकल 239 में दिनल तो 2/3 मेजॉरिटी से जैसे बई हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो सो अमेंडमेंट पास करना तद ही आइन में तब्दीन अची सके थी पर यो जो मसलो है ये जो चवन था हार्स ट्रेडिंग यो मसलो 97 में जो सो हले तो उन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो सो मुकमल तौर से सॉल्व किया वो छो तो 1997 में जैसे 14 तरमीम आई मियां नवाज शरीफ आंदी तो उनमें यो वो तो को भी पार्लियामेंट जो मेंबर जो सो पार्टी हेड के डायरेक्शन का सवा पार्लियामेंट में वोट न दीद जैसे वही ह्यू एंड क्राय थी इवन कोर्टन तीन वहाँ सो कोर्ट उनके सो इंटरम स्टे भी दिनों यो तूफान यो थो तो पार्लियामेंट के मेंबर के जमीन से ताला ना लगे सको उनखा पो जेको आ सो कॉन्स्टिट्यूशन में वही सोच विचार का पो ये छयो वजी वयो आर्टिकल 63A में त जे कदे जेको आ सो को मेंबर आइन ते कॉमन असेंबली में आइनी तरमीम ए पांजो वजीर आजम जी इलेक्शन उन जे खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस ए मनी बिल ते पार्टी के वोट न दीदो तो उन ते जेको आ सो आर्टिकल 63A जी डिफेक्शन क्लॉज लगी सके थी बाकी मामलन में जेको आ सो वोट पांजो मेंबर जेको होंदो वो कहीं भी मामले ते पार्टी के जर वोट न दीदो तो वो पे जमीर मुताबिक वोट दई सके तो यो मामलो जो 97 का कॉन्स्टिट्यूशन में सॉल्व किया वो तो बाबा ही टे वोट पार्टी जन कौमी असेंबली में सूबा असेंबली में वोट आन मनी बिल इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर जैसे यो मामलो तय थी वो हाँ बहानो बढ़ाए यो बाबा हार्स ट्रेडिंग छोटी थे तुम उनको रोको ना वो उनमें कानून मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जब करप्शन थी उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोक दी पर तुम कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेफरेंस भी मोको है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो भी फ्रीलेस है तो यो रेफरेंस मोके सो आइन में जो सो सदर जो अहदो है
जी सुप्रीम कोर्ट यो असा के बुधाई तो आ या ना अच्छा रेफरेंस एडो मोकले जी जी बिल्कुल अच्छा 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 जमीर साहब हां जमीर साहब अगर सुप्रीम कोर्ट पे फैसले में डिले थी करे ए असा दिसों ता पे कौमी असेंबली में भी एक वोटिंग नथी थे उन तरमीमी बिल ते तो पो छा इन सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए शो ऑफ हैंड्स वाली सेनेट जी चुंडू थींदियो या थी सगन थियो या बिल्कुल नथी सगन छो त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस ते अमल न कंदी पर आइन ते अमल कंदी छो त आइन जे आर्टिकल 226 में यो क्लियरली लिखल आ त वजीर आजम ए चीफ मिनिस्टर जे इलेक्शन का सवा आइन हेठ जेके भी बि इलेक्शन कन उहे सीक्रेट बैलेट जे ज़रिए थींदियूं त आइन जेको आहे सो सभिनी खां ऑर्डिनेंस हुजे या एक्ट हुजे हुन खां उत्तम आहे ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इहे जेको आहे सो कमेंट्स दाख़िल करे चुकी आहे त आइन में जेको आहे सीक्रेट बैलेट आहे ऐं हिनखे ख़तमु नथो करे सघे सघिजे जेसिताईं आइनी तरमीम हुजे छो त आइनी तरमीम में हिननि जेको आहे सो 1997 खां पोइ करे छॾी आहे जंहिंमें इहो क्लियर करे छॾियो अथव त क़ौमी असेंबली में पार्टी जा टे वोट हूंदा सूबाई असेंबली में ॿ वोट हूंदा बाक़ी मेंबर ॿिया वोट ॾियण में आज़ादु हूंदा हाणे हिकिड़े पार्टीअ जे करे तव्हां पूरे कॉन्स्टिट्यूशन खे हुनजे ताबे बणायो छो त पार्टीअ जो जेको आहे सो पंहिंजे मेंबरनि ते कॉन्फिडेंस कोन्हे या को ॿियो मसइलो आहे बाक़ी जेकॾहिं इलेक्शन में जेको आहे सो करप्शन थिए थी या पैसा हलनि था हुनजे लाइ कानून मौजूदु आहे दे कैन टेक एक्शन त उन में जेको आहे सो इहा का वॾी ॻाल्हि थोरी आहे हीअ रुगो हिननि खे पंहिंजे मेंबर्स खे 2.5 सालनि खां पोइ जेको आहे सो हिनखे पहिरियों मौको मिलियो आहे सीक्रेट बैलेट जो त उन्हनि ते एतमाद कोन्हे त असां छो त क़ौमी असेंबली में जेके ॿ सीटूं आहिनि इस्लामाबाद जूं जेकॾहिं 172 मेंबर्स कनि हुन में जेको आहे सो सीट ते अपोज़िशन ते वधीक था पइजी सघनि त प्राइम मिनिस्टर खे कॉन्फिडेंस वठिणो पवंदो एक्चुअली इशू उहो आहे त क़ौमी असेंबली में जेके ॿ इस्लामाबाद जूं सीटूं आहिनि हुन में क़ौमी असेंबली जा मेंबर वोट कंदा ऐं जेकॾहिं सीक्रेट बैलेट में अपोज़िशन खे 172 खां मथे वोट मिलिया त प्राइम मिनिस्टर खे कॉन्फिडेंस वठिणो पवंदो ठीक है यही गाल ठीक अच्छा अच्छा जबी साहब हाँ सदारती ऑर्डिनेंस जो इनके रद्द करने का फॉरम कड़ा एक सुप्रीम कोर्ट है कौमी असेंबली इन बिन ये रद्द थी ऑर्डिनेंस कंडीशनल है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट कंडीशन को सदारती ऑर्डिनेंस थोड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन उनके इग्नोर कर सके थी ऑलरेडी लॉ मौजूद है सेनेट इलेक्शन जो ऑर्डिनेंस पर सेनेट इलेक्शन थोड़ी थी ठीक है सेनेट इलेक्शन थी ना इलेक्शन एक्ट 2017 पर आर्टिकल 226 पर ठीक ऑर्डिनेंस थोड़ी सेनेट इलेक्शन थी उनके इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रद्द कर सके थी उनके काम है सब कोने का ठीक है अच्छा समीर साहब ये आखिर हुकूमत जैसे खा आई आ हर मामले से असूँ था पाया तो सदारती ऑर्डिनेंस अचे पे सिंध के बेटन से असूँ था पाया तो सदारती ऑर्डिनेंस अचे तो बेन मामलों से भी ऊँ था पाया कौमी असेंबली मौजूद आ सेनेट मौजूद आ बया इदारा मौजूद आखिर तुम समझो तो इन हुकूमत के जरूरत छो थी पे तो एक हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस से हलन के लिए उनजी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट आहे अच्छा जीअं मुशरफ ते जेको आहे केस हलियो ऐं हाई सीजन जो उहो उन बि आइन खे सबवर्ट कयो हीअ बि जेको आहे सो आइन खे मुसलसल तौर ते सबवर्ट करे रहिया आहिनि तव्हां ॾिसो त हिननि में बेटनि ते बि ऑर्डिनेंस आंदो ऐं आर्टिकल 172 ऐं आर्टिकल 239 जी ख़िलाफ़वर्ज़ी कयूं ऐं जेका प्रोविंशल प्रॉपर्टी ते हीअ जेको आहे लेजिस्लेशन नथा करे सघनि अहिड़े तरीक़े सां हाणे बि हिननि जेको आहे हिन कॉन्स्टिट्यूशन जे सबवर्ट करण लाइ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन खे हिननि इहो ऑर्डिनेंस कंदो आहे हिन ते आर्टिकल 6 थी लॻे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में प्रेसिडेंट जी इम्पीचमेंट करणु घुरिजे प्रेसिडेंट खे जी ज़मीर साहब अवां सां लाइन ते ई रहिजो अच्छा डॉक्टर शादिया साहिब अवां ॿुधाइजो त अॼु जेका डी जी आई एस पी आर जी स्टेटमेंट आई आहे त सियासत में इदारनि खे न ॻेलियो वञे अवां जी पार्टी ऐं अवां हिन स्टेटमेंट खे कीअं था ॾिसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम हमेशा यह गाल कही है तब हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड रो है तो जेके भी इदारा आहिन आइन के मुताबिक पांजी हदन में रही करे कम करन इन हुकूमत के बिल्कुल भी इदारन के विच में ना आनन घुर्जे ये स्टेटमेंट इन प्राइम मिनिस्टर जी है इन प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा इदारन के मतनाज़ा कयो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे या अपोजिशन हुजे कॾहिं बि हुननि इहा ॻाल्हि कोन कई आहे त इदारा जेके आहिनि पंहिंजी लिमिट्स खां ॿाहिरि अची करे उहे करनि डी जी आई एस पी आर जेकॾहिं इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे त असां बि इहो ई चाहियूं था त इदारा पंहिंजी हदुनि में रही करे आइनी हदूद जेके आहिनि उन्हनि में रही करे कमु करनि त मुंहिंजे ख़्याल में इन में इदारनि जी इज़त बि आहे ऐं उन में जेका आहे सियासतदान जेके आहिनि उहे सियासी तरीक़े सां आराम सां इंडिपेंडेंटली उहो पंहिंजो कमु करे सघनि था वॾी वॾी महिरबानी डॉक्टर शाज़िया सुमरो साहिबु बिरस ज़मीर घुमरो साहिबु ॿिन्हिनि मौजूदु महिमान असांखे नंढी साईं साईं खां पोइ प्रोग्राम में बि हाज़िर थींदसि।
नजरी प्रोग्राम एक दफो बीहर अवे भलीकार सिंध जी केतर ही खतर के मुंह दई रहा है उत एक अहम खतरो धारी आबादकारी जो है सिंध ज मान के खतरो है तो धारी आबादकारी के करे सिंध की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ कई वी सिंध के मानू पैं वतन के अकलियत में तब्दील वा एक मनसूबे तहत सिंध में बर्मी बंगाली अफगानी अफगानियन के आबाद किया वो हाँ वफाक हुकूमत फैस इन हवा से कोशिश तेज कई वन तो कश्मीरियन के भी मुस्तकिल बुनियादन से सिंध सिंध में आबाद किया वे इन हवा से वफाक हुकूमत रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तफसील घुरी वरता तो सिंध में केतर जमीनू खाली आन इन मौजू से ऐसा इन वक्त असें प्रोग्राम में जॉइन किया है सीनियर तजिए निगार कॉलमिस्ट जनाब जामी चांडियो साहब। जामी चांडियो साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जामी साहब मुझे आवाज़ अवे अचे पो अच्छा जमी साहब किए था दिसो इन जे इन के तफसील आया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तफसील वरता वह तो कड़ी खाली पल जमीन आन तो जी कश्मीरियन के भी आबाद किया वे जी अस दिठोस तो माजी में बंगालियन के आबाद किया वो बिहारियन के आबाद किया वो बेन जो मुल्क शहरी उन्होंने सिंध में आबाद किया वफाकी हुकूमत जो अज यो गाल आई है सामूँ यो को पहरों दफो ना जो वफाकी हुकूमत इन मुल्क के आइन की मुकम्मल इनहराफी कई है वफाकियत के तकाजाओं की इनहराफी कई है जी सूबन की खुदमुख्तारी की सेंटिटी है उनकी इनहराफी कई है यो को पहरों दफो ना ये हुकूमत जदें का आई है उन मुसलसल अड़ा कदम खाया समझा तो अड़े किस्म ज कदम खड़ने के पोया उनकी बदनीयती भी है सियासी जहालत भी है जो जो उनको आइन के बिल्कुल अहमियत न दियण यह भी गाल्ह शामिल है। हाँ जो तुम सवाल आको कश्मीर के लिए तो अस दुनिया के समूर मजलूमन सा साथ जो इजहार कर सिंध जहाँ मानू जी बिल्कुल अस दुनिया के समूर मजलूम मानून सा खुद कश्मीरी मानून सा भी असो अखलाकी साथ है जो मजलूम आ असांजी हमदर्दी है जी बिल्कुल। पर जाहिर है दुनिया में का भी कौम है को भी मुल्क या को भी वतन रुगो इंसानी हमदर्दी के बुनियाद से अड़े किस्म का फैसला को तो कर सके तो आबादी जो कटक घुरा इलाके में घुरा इन करो हि फैसलो यो भी इं ही नाजायज ए गैर वफाकी गैर आइनी है जी उन्होंने बया फैसला क्या मैं मिसाल दिया तो दिसो इन वक्त पाकिस्तान जो आइन आइनी तरमीम का उनमें कंकरन लिस्ट एबॉलिश थी चुकी है कंकरन लिस्ट मौजूद ना है जी कंकरन लिस्ट जै जमाने में होंगी 2010 का अग में तो उनमें जेका लैंड है जमीन है वह कंकरन लिस्ट में होंगी माना उनते वफाक जी भी हक हों सूबन जो भी जाहिरा बुनियादी हक बिल्कुल अरड़ी आइनी तरमीम का कंकरन लिस्ट एबॉलिश थी वही उन 46 सब्जेक्ट्स में सत बया हलिया सी सी आई में फेडरल लिस्ट 2 में 39 सब्जेक्ट्स बया हलिया फेडरल लिस्ट सूबाई मामले में जी हाँ इन वक्त जो लिस्टू हैं मौजूद आइन में उहरा तो फेडरल लिस्ट 1 जी है जो दरअसल वफाक के खातन की लिस्ट है उन लिस्ट में सिर्फ एक आर्टिकल है आर्टिकल 37 वो आर्टिकल वाजे तौर चवे तो सूबन के अंदर उ जायू माना इमारतू या उ कम या उ जमीनू जो अगे ही वफाकी मामलों के बारे में वफाक के तहवील में आन उ वफाकी समझ में बाकी जेका भी जमीन सूबे की है वह सूबे की मिल्कियत है उनते सूबाई कानून साजी घुर्बल होंगी हर गाल में ठीक है गैर आइनी है नाजायज फैसले के नाजायज गैर आइनी समझा तो सिंध के खिलाफ समझा तो ठीक वही चवान तो बार बार ठीक है उनको भी आइनी फर्ज है कौमी फर्ज है उनके यो हक भी हासिल है उनके यो आइनी तहफुज भी हासिल है इन सिलसिले में वो सूबाई लिस्ट है वह मौजूद है सिंध सूबो इन सजे फैसले के मुकम्मल रद्द करे सिंध असेंबली इन के रद्द करे यो गैर आइनी है ये कोप कोप जवाब ना है इन करे दुनिया में जिते भी के मानु जी त इन करे सिंध हुकूमत के बिल्कुल वाज़ह स्टैंड वठन खपे यो फैसलो नमन सिंध हुकूमत के नवाल सा वाज़ह फैसलो वठन गुजे अनी तरमीम का पो जको मामला वो भी क्लियर। अच्छा जामी साहब अवा सा लाइन ते रहजो इत वक्त असके प्रोग्राम में जॉइन कयो आ है एसयूपी जे अगवान सैयद जैन शाह साहब। जैन शाह साहब प्रोग्राम में भलीकार अच्छा ये बुधाजो जी त जामी साहब भी बुधायो त अनी तरमीम का पो हाने मामला ये केन वे सूबाई हुकूमत जा मामला त इन हवाले से सिंध हुकूमत जो भी केड़ो स्टैंड होजन गुर्जे अई बियो अमा इन फैसले
फैसले के किए था दिसो अमा जी पार्टी इन फैसले के इन ये के तैयारी थन थे पे उन के किए पे दिसे जामी गला है मुझे कलम तफसीली मौकफ को न खा मुख्तलिफ ना है और गोन जा ब्या पासा इन जा फैसलो जी इन जा ब्या पासा बयान कंदस छोत और सूबाई हकन में मुदाखलत है कब्जो है यो वक्त ब वक्त थींदो पियो अचे माजी में भी जी बिल्कुल बेटन वो इशू आयो बो आयो पर उन में भी वफाक की हथदर्मी सिंध हुकूमत की मुफाहमत मसलियत पसंदी जी काफी नुकसान दिनो इन किस्म की रविश जेका है ये नुकसान दींदी पर ही जो इन जहा दूररस मामला एक पैरी चंदा तो असा वट कराची जो सो दायर के आबाद करे बंगाल के दिन के शनाख्ती कार्ड अफगान के बर्मिन के ईरान के सिलसिलो हलो पो रहे चूं तो बबा कुछ साल अस चूं तो मिनी पाकिस्तान जी हाँ वरी बदीन ठट्टे जिले के चंदा यो भी मिनी पाकिस्तान चंदा सिंध जो सो आई दारियन जो मिनी पाकिस्तान इो बाकी बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब उते जे रहायशन जो ही हाँ मिनी पाकिस्तान थी वो उन मन घुर्च उन तबाहकुन फैसलो आ कश्मीर वे इशू के इत आबाद कर सिंध ला हमेशा टेंशन जो सबब थींदो मुस्तकबिल इन न सिर्फ यो गैर मुल्कन जो इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत छो तो असो सिंध हुकूमत उन्हें वटा न सिर्फ उन्हें स्टैंड वठन घुर्जे पर वफाकी हुकूमत के सिंध के मफाद में अड़े किस्म के मुल्क के मफाद में इन गड कर सिंध में अच्छा शाह साहब हाँ अवा चो पा तो वफाकी हुकूमत वक्त ब वक्त सिंध के आइनी मामला उन छेड़छाड़ करे थी पी अवा चो पा तो सिंधी हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है वह मुफामत उन खामोश है इन तमाम तर सूरत हाल में सिंध के सानियावंदन के घुर्जे अगर सिंध हुकूमत मुफामत खामोश है वफाकी हुकूमत पाँ फैसला मड़े थी पी सानियावंदन के घुर्जे वतन दोस्त जो धुरी उनके घुर्जे कौमपरस्तान की स्टेट की होजन घुर्जे मामलो यो तो खी मुफाहमत कुछ को मठी लेवल ते मीटिंग्स में हा कर उनके सेटल करण जो छो तो अस माजी में भी पा तो हि माजी में हा कर हिंसर बंगाल अस खुद इतजाज पे कियो गैर मुल्क ला तो हि उन फेवर हूं निसार मिया बिया प्रेस कॉन्फ्रेंसू क्यों तो असं इन कर उन सिंध जहा कुत है असा जे अदीब बया दोस्त उन लिखन था कॉम्प्रेस तहरीकों वट जेका कुवत है वह वक्त ब वक्त मुल्क जा सिंध जा वसीलन जा मामला होजन सिंध की इंतजामी विरासत जा मामला होजन या बेटन के विकरे जा मामला होजन उन पैं भरपूर किरदार अदा की पर मुझो यो असानियावंदन के को गुजारिश आ वफाक के खिलाफ सख्त गल घुर्जे पर सिंध हुकूमत के दे सॉफ्ट कॉर्नर लिखा जी नथा संभाले सगन क्लियर अची अगते बुधाई ना उन्हें टकराव अचन असी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत से उन टकराव में गड बीहस पर असो चेहरो चेहरो था बुधाई उते बो था चेहरो कन उन मुनाफ्त वाले प्रेशर डेवलप करो पो असो कम आ सिंध हुकूमत से डेवलप प्रेशर कर उनको कम आ वफाक से डेवलप करें वापस वाई ठीक है अच्छा जावी साहब असं दिसूं था पाया तो बेन मुल्कन में भी इन तरह जा थन था पाया मानो रोजगार के करे वन था पाया मानो बेन मामलन के करे माइग्रेशन कन था पाया पर उते एकड़ो कानून मौजूद है तो तहां रोजगार भी करे सको था पाया तहां कारोबार भी करे सको था पाया तहां नौकरी भी करे सको था पाया पर वर्क परमिट है अवां मिल्कियत भी खरीद करे सको था पाया के बुनियादन ते पर तहां के हके हुकुमरानी ना है सिंध में मामलो कुछ अलग है असं दिसूं था पाया तो बेन मुल्कन जा तो छा बेन इलाकन जा मानू भी अचन था पाया वे ते तमाम तर मामला कन था पाया इलेक्शन में भी हिस्सो वठन था पाया तो पो आईनी हवाले से इन में कानून साजी की जरूरत है छा करण घुर्जे जो असा मुस्तकिल बुनियादन ते इन खतरे का आजाद भी थियूं या कंदे खतरो तमाम खतरनाक है दिसो असद जेका साईं ज़ैन शाह साहब गाल कई मां उनी गाल के अगते वधाईंदे हुन बि वही गालियूं कयूं जेका असां जी दिल जूं गालियूं ऐं उन खे मां अगते वधाईंदे गाल कयां त ही जेको पाकिस्तान में सूरत हाल आहे हुकूमतूं मटिजनि थियूं चेहरा मटिजनि था काबीनाऊं मटिजनि थियूं पर मजमूई तरह सिंध सां मसइला उहे साॻिया लाॻू आहिनि ऐं मुल्क जे ॿियनि मज़लूम क़ौमुनि ऐं तबक़नि ऐं माण्हुनि सां
उनको बुनियादी सबब यो ये मामला फकत हुकूमती मसले लेवल जा ना ये रियासती बहरान जो नतीजो है। अच्छा ये रियासत मुकम्मल तरह डिनायल के सिंड्रोम में आकर पाकिस्तान के अंदर जो रियासती बहरान आ उनको बुनियादी सबब यो आके दुनिया में मनल तय थल उसूल कायदा कदर तकाजाऊँ वफाकी निज़ाम जो कदें भी पाकिस्तान में पूरी न कई वही गाल हाँ वो तकाजाऊँ कड़ी हुई वो तकाजाऊँ यही है कौमुन की खुद मुख्तारी इंश्योर कबी उनकी सुणप इंश्योर कबी उनके वतन की हिफाजत कबी उनके पैं वतन में मालकी दिबी और ये सब एक जाहरात वफाकी निज़ाम जहाँ बुनियादी उसूल है। हाँ जो भी गाल हि जो पाकिस्तान में जहाँ धारे की आबादकारी सिंध में रुकजे न थी इन में मुझे ख्याल में ब मामला संगीन आज जिनते असें गौर करो पव गौर न करो पव पर उनका पूरा दबाव पैदा करो पव एक गाल पाकिस्तान जो आइन इजाजत दे तो फिल वक्त जो मौजूद आइन आ उन आइन में बुनियादी खराबियो उन आइन में तमाम बुनियादी किस्म जो गुंजाइशू हैं जैमें या धारे की आबादकारी थे थी वही गाल गुंजाइश ना है पर वो फंडामेंटल राइट तस्लीम थल माना आइन पाकिस्तान में हर मानू जो बुनियादी आइनी हक तस्लीम कल है तो वो किथे वही रहे को शर्त ना है का मामलो ना है रुगो पाकिस्तान के शहरी हुए वो किथे वही ये दुनिया में कोन थींदो आ वफाकी मुल्क में ये कोन थींदो आ हर रियासत जो पंजो कानून होंदो आ हर स्टेट जो पंजो आइन होंदो आ हर स्टेट जो पंजो तकाजाऊं होंदी लिमिटेशंस होंदी इन करे पहरी गाल तो पाकिस्तान जो जो आइनी ढांचो आ उन में ये तरमीमू थियण लाजमी आहिन जेस ताईं यो आइन में तरमीमू न थींदियूं त या गुंजाइश बाकी रहंदी। हाँ बी गाल बी लेवल से वरी मामलो यो आ सूबाई कानून साजी के लिए जाहिर आ तो कुछ मामला मरकजी आइन से टकराव में इंदा मिसाल तौर सिंध जो सूबो यो तो नो कर सके तो इन बुनियादी फंडामेंटल राइट के चैलेंज करें पानी कानून साजी से पर उनके वो तो करण खपे एक सियासी स्ट्रगल से पर उनके बावजूद पाकिस्तान के मौजूदा ढांचे में केतर जायन ते सूबाई कानून साजी की गुंजाइश है वह थियन घुर्जे थी सके थी पर थे नी इन हवाले से टी गाल गाल चवान तो ये धारे की आबादकारी पान गाल कई तो मतलब कोई मानू अचे तो वो सेटल थे तो वो वोट दे तो उनको शिनाख्ती कार्ड ठहे तो वो डोमिसाइल ठहे तो पीआरसी ठहे थी कारोबार करे तो टैक्स दे तो मुकम्मल तरह एक खुल छूट आन किस्म जो दुनिया के कें भी जिम्मेदार वफाकी रियासत में तस्वर न हों तो कें सूबे एक रियासत जो मानू एक सूबे जो मानू बे सूबे में शिफ्ट थी वने उन सूबे की उनमें मर्जी शामिल न हो इन करे पाकिस्तान के आइनी ढांचे में या बुनियादी खराबी आ इनके दूर करण के लिए उनके खत्म करण के लिए स्ट्रगल लड़न खपे सिंध ते दबाव होन खपे जी साईं ज़ैन शाह साहब चयो सिंध हुकूमत ते सिंध असेंबली ते दबाव होन खपे तहां जो जिम्मो आ तहां जो आइनी फर्ज आ तहां इन सबनी नाजायज कदमन में नरगो उन जा भांगीवार भाईवार न थियो पर उनकी मज़ाहमत कयो तहां के इन करे मानन मोकलियो आ जैसे सिंध हुकूमत यो नथी करे तो वह मुजरमाना गफलत करे थी वह जुर्म में शरीक है जी बेटन में शरीक हुई जी इन अग बिटे निज़ाम में शरीक हुई हाँ अस चूं था तो कश्मीर के साई सही गाल कई बया पासा खया तरूरत कड़ी आए पराए मुल्क के मानून के जो तक एडी जरूरत लाचार है तो तट आजाद कश्मीर है तो उनके आबाद कर उनको पानो कश्मीर आ इन कर सिंध जो सूबो तो चूंड ठीक है। अच्छा 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 जम साहब मैं एक गाल क्लियर कद हलान तो ये जमीन के हवा से तफसील वरता वन उ सिंध से गडोगड केपी के बलूचिस्तान का भी तफसील वरता वन हाँ ये पंजाब का पंजाब केपी के बया सूबा उन भी तफसील वरता वन अच्छा ज़ैन शाह साहब एक जामी चांडू साहब गाल पो करे तो सिंध हुकूमत इन मामलों से बिल्कुल ही ये लगे तो जन लातालुक है उनकी एक लातालुकी है वह एक मुजरमान है हाँ सिंध हुकूमत लातालुक छो है बुनियादी सबब एडो प्रेशर है उनका बया मुफामती मामला तमाम संगीन आन जो मामलों का एडो बेजार है बो जैसे को नोटिफिकेशन है इन में बेन सूबन का भी पैरों दफो दिखोसी तो अफगान लाइ तो यो मामलो को बर्मियन बंगालियन लाइ तो को पर हाँ कश्मीर लाइ बन सूबन का भी यहाँ तफसील वरता वह तुम बुधा तमी जमीन जमीन केतरी खाली है आबाद मामलो यो दुनिया में फितरी माइग्रेशन ये दुनिया में सूबन में भी फितरी माइग्रेशन के रोजगार चाहन के शादी के बूंदन अस कदें भी फितरी माइग्रेशन की दुनिया में जो लड़ पलान थे थी उन में रेसिज्म के बुनियाद से असि को
उनके रद्द न कंदा आयूं पर पाकिस्तान में खुसूसन सिंध सा पाकिस्तान ठहण का ज्यादती थी गैर फित्री अंदाज में हुकूमती सरपरस्ती में जैसे बैराज ठहन बन सूबन जन मानुन के जमीनू अलॉट थन जैसे शहर में नवा इलाका ठहन गैर मुल्की उन्हें में आबाद थन उनके सब बुनियादी सहूलतू असाजा गोठ शहर में अ बुनियादी सहूलतू कि न भूंद पर उन इलाकन में बिजली सिवरेज बो बंगाल कॉलोनियो आसी आया कोरन की रही उनके सब वो शूं दियन उनके फैसिलिटेट कन था गैर फित्री माइग्रेशन के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनमें मदद करे थी माइग्रेशन की करे थी सके तो नेशनलिज्म के एंटी उनके उभार कर या करे थी इस्तेमाल थी करे पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो मसलो यो मजबूर ना है वह इन ख्याल की ये माइग्रेशन थियन घुर्जे ये रहन घुर्जे ये इन असो तो जन सूबन में भी गैर फित्री माइग्रेशन थी उनमें भी सहकारी रही गैर मुल्की जे मू आया उन बंगाल के आण में जे घारो एरिया में बिहारी आया उनके सेटली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत कई इन कर राय उनते खुद इन राय जहा हामी असाजी आबादी आ उनके मिनोरिटी के तरफ बढ़ने में रियासत के इन भांगी भाई वन ठीक है। अच्छा जामी साहब एकड़ो सवाल यो बार बार कयो विंदो आए त उहे शहरी उहे मानु जेके माइग्रेशन करे त आया बल्कि उहे 30 सालन खां 40 सालन खां इते आन अगर अवां उनन के 40 साल जे पैदाइश भी इन धरती ते थी आया अज भी अगर उनन के अवां इन धरती तस्लीम न कयो तो पो यो अज जे आईन मतलब इंसानी हवाले सा इखलाकी हवाले सा बेहतर ना अवां इन नैरेटिव के किया था दिसो तो असान जो इन हवाले से कदें भी को तंग नजर या को नस्ल परस्त किस्म जो एकड़ो मौकुफ न रहो न सिंध के वतन दोस्त तरक्की पसंद पार्टी जो रहो न सिंध की इंटेलिजेंशा जो रहो अड़ी का गाल ना है असान समझ जेके मानू मुस्तकिल तौर ते आबाद आन जेके एकड़े नेचुरल या एकड़े पॉलिटिकल प्रोसेस में या एकड़े मामले तारीख के इत्तेफाक से आयल इन ते जावा है इतने परमानेंटली सेटल्ड आन नसुल दर नसुल सेटल्ड आन लड़े को वा तो अस उन्होंने बहरहाल पाँगे सिंध जो शहरी समझूँ था जाहिरा उन्होंने जायज हकन जो तहफुज करने की गाल क्यों था पर हि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड माइग्रेशन है इकोनॉमिक माइग्रेशन है जहाँ जोरी थी मड़ी वे या जैसे फैसिलिटेट कर तो वे जैसे हथ वी तो वाया वे जाहिर है तो इन जहा नतीजा भी खराब आन इन सबब भी बदनीयत है इन कर सिंध में मिसाल तौर में तुम तो गुलाम अहमद बिराज के ठहण का वी सिंध के केतर जिले में इलाक में पंजाबी गालाइंदड़ आबाद आबाद थी उनकी भली नाजायज ही जमीनू मिली जाहिर पर बहरहाल वो सिंधी थी वह अस उनके कदें क्वेश्चन न किया तो सिंध ना अस सांगड़ में मीरपुर खास में अस बदीन में लाड़ में लोअर सिंध में खुद अपर सिंध में अस केतरे वे पैमाने से उ थर्टीज का वी पंजाबी गालाइंदड़ आबादगार या मानू उत आबाद आन अस उनके सिंधी समझूँ ये जे मू मिसाल तौर विरहांगे के दौर में अची वा हाँ गलत आया सही आया उनके कत नजर जे परमानेंटली सेटल्ड आन अस उनके शहरी समझूँ था अस तासुब ना है ठीक है वड़ी, पर वड़ी, ही जेको, पर ही जेको पठान ही जेको बंगाली दुनिया हाँ कश्मीरी बलती है जेको इो सिलसिलो जेको आ वो नरगो नाजायज आ गलत आ ठीक है पर इयो बिनल अक्वामी नाम बदनीयती ते मबनी आ इन जाए के नतीजा न हुए कें भी सूरत ये केन हुए बेहतर न निकरंदा वडी मेहरबानी जामी चांडियो साहब सैद जैन शाह साहब मा बिनल मौजूद मेहमान जी वडी मेहरबानी नाजरीन नवा कश्मीरिन के सिंध में मुस्तकिल तौर ते रहण जे हवाले सा मौके बुधो कोंपरस मौके बुधो असा जे नाले वाले तजनेगार ए कॉलमिस जनाब जामी चांडियो जो भी न हवाले सा तफसीली मौके बुधो इते प्रोग्राम जे वक्त पंजे पुजाणी ते पहुंचे तो असद ममताज रेड खणी दा इजाजत अल्लाह भाई।